बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ करता हूँ आप तमाम देखने वाले दोस्त आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त गेम टी एंटी इंक्लूजन की टीम एक बार फिर नॉर्थ कराची नालन चौरंगी पर मौजूद और यहाँ पर तजावजात के खिलाफ बदरिया लिखकर एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है डिप्टी डायरेक्टर यूनुस खान के ज़ेरे निगरानी। तो ये आप देख सकते हैं तख्त, अब ये तख्त को मुकम्मल तौर पर तोड़ा जा रहा है ताकि ना रहेगा तख्त, ना बैठेगी आवाम, ना होगी इंक्रोचमेंट। तो इस बार जो है ट्रक को जब्त करने का अमल नहीं किया गया बल्कि इसको ऑन द स्पॉट तोड़ने का अमल जारी है। तजावजा के खिलाफ सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत के जरिए निगरानी शहर भर में तजावजा के खिलाफ कार्रवाइयाँ कीजिए एंटी इंक्रोचमेंट टीम की जा रही है। फुटपाथ, सर्विस रोड पर नाजायज छापड़े वगैरह और कसरी बुनियादों पर भरे गए काउंटर और दीगर चीज़ें, उन तमाम चीज़ों को जब्त करने का अमल जारी है। हमारे साथ जुड़े रहे और देखिए तमाम तनाजे। आप देख सकते हैं आवाम का बेहद रश है जो कि मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है। और ये कार्रवाई हमने आपको बताई नालन चौरंगी से शुरू हुई है और देखते हैं आगे कहां तक और जाके जाती है। ये डिप्टी डायरेक्टर यूनुस खान इस वक्त मौजूद है जिनके जेरे निगरानी ये कार्रवाई इस वक्त अमल में लाई जा रही है। इलाकाई पुलिस एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान और इनकार मौजूद है। नालन चौरंगी से शुरू होने वाला ऑपरेशन इस वक्त यूपी मोड से भी आगे की तरफ आ चुका है और आगे देखते हैं कहां कहां जाता है। बड़ी लंबी कार्रवाई है इस वक्त तजावजात के खिलाफ एक भरपूर एमसी एंटी इंक्रोचमेंट का एक्शन और रूल्स की बुनियादों पर हम देखते आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में केएमसी कार्रवाई कर रही है तजावजात के खिलाफ। आप देख सकते हैं आवाम अपने काम में जो छोड़ के यहाँ पर मौजूद है, एक तमाशा जैसे लगा हुआ हो ये देखने में मसरूफ है बिना टिकट के। डालो डालो।
ये छोटा सा लिफ्टर बड़ी बड़ी चीज़ें उठा के ट्रकों में लोड कर देता है। आप देख सकते हो फुटपाथ पर बनाए गए छापड़े वगैरह जो है ये भी तोड़ने का काम जारी है मिस्टर के जरिए। तो दोस्तों यहाँ से दीजिए हमें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और पॉइंट पर किसी और अपडेट के साथ। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।